हेलो गाइस, वेल्थ एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज मैं आपके लिए चार ब्रेकआउट स्टॉक लेके आया हूँ, जो आप कल कल यानी कि 5 मई 2023 को अगर वो लेवल के आसपास मिलते हो तो आप उसमें एंट्री कर सकते हो। तो उससे पहले जो 4 मई को आपने जो ट्रेड दिए तो उसका परफॉर्मेंस देख लेते हैं। एक पहला स्टॉक था अपना एस्टर डीएम, जो बोला था कि ओपन प्राइस पे ही बाय करना है, 246.2 आज का ओपन प्राइस था, अभी 246.55 पे क्लोज दिया तो वो रनिंग है, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस भी हुआ नहीं, टारगेट भी नहीं है, और जो अपना टाइम पीरियड है वो आप होल्ड करोगे तो वो टारगेट अचीव हो सकता है। दूसरा स्टॉक है जेस इंजीनियरिंग, जो बोला था ओपन प्राइस पे ही बाय करना है, तो आज का उसका ओपन था 940। वैसे आप देखोगे तो स्टॉक आज 12 रुपीज प्लस में आपको दिखाएगा, लेकिन कल का क्लोजिंग था 927-28 के आसपास, आज सीधा ओपन हुआ था 940 पे, तो अपने वही प्राइस कंसिडर करेंगे, और 940 के आसपास अभी क्लोज दिया तो वो भी रनिंग में। स्टर्लिंग टूल्स ऐसा एक अच्छा स्टॉक था, जो अपने 52 डिप बोला था, लेकिन नीचे की साइड गिरावट आई नहीं थी, स्टॉक अच्छा था, मोमेंटम में ऊपर की साइड चला गया तो वो कॉल एक्टिव नहीं हो पाया। और एच जी इंफ्रा में भी अपने जो बाइंग लेवल दिया था उसके ऊपर स्टॉक गया ही नहीं, और जो सेलिंग लेवल दिया था वो भी नहीं गया, यानी कि वो दोनों के बीच में इनसाइड बार बनाया था, इसीलिए वो भी नॉट एक्टिव है। तो ये अपना कल का परफॉर्मेंस हो गया। तो गाइज, आज मैं आपको वीडियो में ऐसे ब्रेकआउट स्टॉक कैसे सिलेक्ट करते हैं उसके बारे में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ब्रेकआउट स्टॉक के बाद कैसे आपको उसको आइडेंटिफाई करना है कि सही ब्रेकआउट है कि नहीं, और कहाँ पे आपको बाय करना है, तो वो वीडियो में आज बताऊंगा। तो आप वीडियो पूरा देखना तो आपको कुछ ना कुछ ऐसे सीखने को मिलेगा। तो वीडियो आप पूरा देखोगे तो आपको सीखने को मिलेगा कि सही में ब्रेकआउट हुआ है कि नहीं, वो आपको समझ में आ जाएगा, और इजीली वहां पे आप ब्रेकआउट स्टॉक पे आप ट्रेड ले सकते हो नेक्स्ट ईयर के लिए। तो उसके अलावा गाइज, आपको पता होगा पीएनबी मैंने ब्रेकआउट स्टॉक में मंथली चार्ट के ऊपर ऑलरेडी बोल दिया था, 28 अप्रैल को बोला था, तो पीएनबी आपका कॉल ऑलरेडी एक्टिव हो चुका है। आप अगर ट्विटर जो फॉलो करते हैं उनको पता होगा, मैंने बोला था मंथली चार्ट के ऊपर ट्रेंड रिवर्सल सेटअप था, 53 के ऊपर बाय था, तो आप देखोगे तो पीएनबी 53 के ऊपर भी चला गया था, तो यहाँ से स्टॉक डबल हो सकता है। तो आप ट्विटर पे ये जाके देखोगे तो भी समझ में आ जाएगा, अगर किसी ने नहीं देखा तो मैं यहाँ पे मोटा मोटी आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो, आपको क्लियर कट क्या हो रहा था, रिजेक्शन हो रहा था, ब्रेकआउट हुआ वॉल्यूम के साथ, ये रिट्रेस कैंडल है, रिट्रेस कैंडल का हाई कितना था, 52.45 मंथली चार्ट के ऊपर पीएनबी है, तो यहाँ पे देखोगे तो आज स्टॉक ने 53 के ऊपर भी स्टॉक गया है, 53.5 का हाई भी मारा था, तो आपका कॉल ऑलरेडी मंथली चार्ट पे एक्टिव हो चुका है। तो अभी नेक्स्ट उसका सीधा रिजेक्शन आ रहा है, वो कौन सा प्राइस है, 98.99 का प्राइस है, तो यहाँ से स्टॉक ऑलमोस्ट 90% का गेन दिखा सकता है। तो आपको क्या करना है, स्टॉक को बाय करना है, और आपको पूरा उसमें भी बोला है कि हर गिरावट में आप एसआईपी भी कर सकते हो, तो पीएनबी अगर किसी से मिस हो गया तो आप बाय कर सकते हो, पोर्टफोलियो में अच्छे से आप इसको लेके रखोगे तो अच्छी रैली आने वाले 3 से 6 महीने उसके अंदर दिखा सकता है ये स्टॉक। तो अभी अपने चलेंगे, चार स्टॉक बताऊंगा, उसमें पहला स्टॉक का नाम रहेगा केपीआईटी टेक। केपीआईटी टेक को आपको क्या करना है, बाय करना है, उसके पीछे का मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ। तो यहाँ पे क्लियर कट बाय एंड डिप विथ एडीएक्स वाला सेटअप है, 2 घंटे की कैंडल के ऊपर, स्टॉक का नाम है केपीआईटी टेक, बाय एंड डिप विथ एडीएक्स है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। तो ये देखो, यहाँ पे एडीएक्स की वैल्यू 25 के ऊपर है, विलियम्स आर की वैल्यू -80 आई है, जो पहली बार आया तो उनको बता देता हूँ, एडीएक्स और विलियम्स आर अपने यूज करते हैं, तो ये सेटअप से अपने को पता चलता है कि स्टॉक यहाँ तक गिर सकता है, स्टॉक यहाँ से ऊपर जाने के लिए रेडी है। और यहाँ से देखोगे तो ट्रेंड लाइन का यहाँ पे सपोर्ट आ रहा है, यहाँ पे दूसरी बार सपोर्ट है, और यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, तो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट कैंडल के हाई के ऊपर अपने बाय करने का ट्राई करेंगे, और स्टॉक में ऊपर की साइड अच्छी रैली आ सकती है। अभी 909 के आसपास क्लोज है तो अभी बाय नहीं करना, कल 913 के ऊपर जाएगा तो बाय करना है, 905 का तब स्टॉप लॉस लगाना है, 930 का एक ही टारगेट 1 से 3 दिन में स्टॉक दिखा सकता है। लेकिन अगर समझो कि स्टॉक पहले 905 के नीचे ब्रेक करके नीचे ट्रेड करना चालू कर देता है तो वो आपका इनवैलिड सेटअप हो जाएगा, वो आपको ध्यान में रखना है। तो ये अपना पहला स्टॉक हो गया केपीआईटी टेक, जो आपको क्या करना है, कंडीशनल बाइंग करना है, और सेटअप मैंने आपको समझा दिया है कि बाय एंड डिप विद एडीएक्स कैसे काम करता है। अभी मैं आपको दूसरा स्टॉक बताऊंगा जिसका नाम है नोसिल। नोसिल को आपको बाय करना है, उसके पीछे का मैं आपको लॉजिक समझाऊंगा, 2 घंटे की कैंडल के ऊपर एनालिसिस करेंगे, स्टॉक का नाम है नोसिल। तो बाय करने का सिंपल सा रीजन है, देखोगे तो रेसिस्टेंट बिकम सपोर्ट, यहाँ पे देखोगे तो स्टॉक ऊपर गया है, ऊपर से रिजेक्शन लिया, ऊपर गया रिजेक्शन लिया, यहाँ पे कंसोलिडेट करके आप इसको ब्रेकआउट कैंडल बोल सकते हो, क्योंकि क्लोज ऊपर दिया है तो इसको ब्रेकआउट कैंडल बोलोगे, इसको आप रिट्रेस कैंडल बोलोगे, रिट्रेस कैंडल के हाई के ऊपर आपका बाय बनता है, स्टॉक ऊपर भी गया है और स्टॉक अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो रिट्रेस कैंडल का लो आपका फाइनल स्टॉप लॉस हो जाएगा, तो स्टॉक अभी थोड़ा दूर है, तो अपने क्या करेंगे, स्टॉक का वेट करेंगे, 1-2 कैंडल नीचे रेड कैंडल बनाएगा तो वहाँ पे अपने बाय करेंगे, और फिर से स्टॉक में ऊपर की साइड अच्छी रैली आ सकती है,
लेकिन वो रैली यहाँ तक कि जा सकती है, ये भी रिजेक्शन एरिया है। तो अभी नौशिका 225 के सीएम पे, तो आपको स्टॉक को गिनने देना है कल 222 में, सॉरी 225 उसका क्लोजिंग प्राइस है, तो 222 पे बाय करना है। 219 का स्टॉप लॉस लगा के टारगेट देखोगे तो 228 के आ सकते हैं 1 से 3 दिन में, यानी कि आपका स्टॉप लॉस रहेगा 3 रुपीज का, टारगेट रहेगा 6 रुपीज का। तो आप इस स्टॉक को भी बाय कर सकते हो, रिस्क रिवॉर्ड आपका 1:2 का इसमें मैच हो पाएगा। अभी मैं आपको तीसरा स्टॉक बताऊंगा जो आपको बाय करने का ट्राई करना है, स्टॉक का नाम है GEPIL, यानी कि GE पावर ऑफ इंडिया। तो इस स्टॉक को आपको बाय करना है, उसके पीछे का मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ। डेली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे, स्टॉक का नाम है GEPIL। तो बाय करने का रीजन क्या है, ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट डन। तो ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट डन क्या होता है आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे स्टॉक क्या कर रहा था, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, ऊपर गया सपोर्ट लिया ऊपर गया, यहाँ पे सपोर्ट पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दिया, रिजेक्शन बना, ब्रेकआउट कैंडल के बाद ये रिजेक्शन हो जाता है, रिजेक्शन हो जाता है। उसके बाद देखोगे तो डेली चार्ट में स्टॉक ने अच्छे से ऊपर की साइड क्लोज दिया है, क्लोज देने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट करने आए, तो ये पूरा डिमांड जोन आपका बन गया है। रिटेस्ट कैंडल के हाई के ऊपर भी आज हल्का सा भी थोड़ा भी गया, यानी कि आपका कॉल ऑलरेडी एक्टिव हो चुका है और ये रिटेस्ट कैंडल का लो आपका फाइनल स्टॉप लॉस रहने वाला है। तो अभी सीएमपी 131 के आसपास है, तो स्टॉक को आपको गिनने देना है, 129.5 पे बाय करना है, 126.5 का आपका स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट देखोगे तो 140 के 1 से 3 दिन में स्टॉक दिखा सकता है, लेकिन अभी बाय नहीं करना, स्टॉक को थोड़ा सा गिनने देना है और 129.5 जैसा आता है वहां पे बाय करना है, वहां से स्टॉक में रिवर्सल आ सकता है। तो ये अपना तीसरा स्टॉक है जो आपको बाय करना है ऑलरेडी आपका, इसमें कंडीशनल बाइंग नहीं करना है, गिरावट पे बाय करना है क्योंकि आपका रिवर्सल कंफर्मेशन हो चुका है। अभी मैं आपको चौथा और आखिरी स्टॉक बताऊंगा जो ब्रेकआउट स्टॉक रहेगा, जो आपको कैसे बाय करना है उसके पीछे का मैं आपको लॉजिक समझा जाऊंगा। तो यहाँ पे देखो मैंने कुछ टाइप करके लिख के नहीं रखा, मैं आपको ऐसे ही बताऊंगा कि इसको कौन से लेवल पे आपको बाय करना है। तो देखो स्टॉक का नाम पहले देख लेते हैं, डेली चार्ट के ऊपर स्टॉक का नाम है पीएनसी इंफ्रा। पीएनसी इंफ्रा को आपको क्या करना है, बाय करना है, लेकिन आपको क्लियर कट यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि स्टॉक कर क्या रहा था। यहाँ पे देखो ये क्या था, रिजेक्शन एरिया था, उसके बाद स्टॉक में गिरावट आई, उसके बाद फिर से ऊपर गया लेकिन रिजेक्शन लेके नीचे आया, फाइनली क्या हुआ ब्रेकआउट देखिए, ऊपर गया रिटेस्ट किया, ऊपर गया रिटेस्ट किया, फिर से ऊपर गया और उसका ब्रेक डाउन हो गया, यानी कि जो डिमांड जोन हुआ था वो ब्रेक डाउन हो गया। तो अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, ये आपका पूरा रिजेक्शन एरिया हो जाएगा। तो स्टॉक नीचे आया, फिर से ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया और इस बार देखोगे तो अच्छे से उसने ऊपर की साइड क्लोज दिया, यानी कि जो सप्लाई जोन था उसका उसके ऊपर अच्छे से क्लोज भी दिया है और वॉल्यूम भी ठीक ठाक है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अच्छे खासे वॉल्यूम है और यहाँ पे भी आज वॉल्यूम ठीक ठाक है, यानी कि स्टॉक में ऊपर की साइड अच्छी रैली आ सकती है, लेकिन आपको वो पहचानना है कि ये स्टॉक में सही में ब्रेकआउट हुआ है कि नहीं। नॉर्मली सब क्या करते हैं कि अभी जैसे कि इसके ऊपर यहाँ पे क्लोज दिया तो सब यहाँ पे क्या करेंगे, बाय कर लेंगे और ये ब्रेकआउट कैंडल का लो आपका क्या रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा। सिंपल से सब 90% लोग ऐसे ही बाय करते हैं और दूसरे दिन क्या होता है, स्टॉक में बड़ी सी रेड कैंडल बन के नीचे आ जाता है और फिर वो बोलते हैं कि फॉल्स ब्रेकआउट में हम फंस गए और हमारा स्टॉप लॉस हो गया। तो आपको क्या करना है, मैं आपको अलग स्टाइल में बताऊंगा जो आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, जो मेरी पर्सनल स्टाइल है कि मैं कैसे ब्रेकआउट पे वो भी कम स्टॉप लॉस में ट्रेडिंग करता हूँ। मेरे को ये पता चल गया कि ये सही में ब्रेकआउट होगा तो मैं इसमें एंट्री हो जाएगी, अगर गलत ब्रेकआउट होगा तो मेरी एंट्री नहीं होगी और इसमें से मैं बच सकता हूँ और नीचे के साइड आएगा तो मेरे को कुछ लॉस नहीं आएगा। हाँ लेकिन अगर सीधा स्टॉक यहाँ पे जाएगा तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा। तो वो स्टाइल क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो नॉर्मली क्या होता है, जब भी कोई ब्रेकआउट कैंडल मिलती है तो वहां पे आपको बाय करने का ट्राई नहीं करना, कैंडल को पूरा क्लोज होने देने का वेट करना है, उसके बाद क्या करना है आपको फॉलो अप बाइंग आनी चाहिए, यानी कि सही में अगर ये ब्रेकआउट है तो नेक्स्ट डे भी उसके में फॉलो अप बाइंग आनी चाहिए और जो एक कैंडल बनाई है उसका जो हाई है वो भी ब्रेक करके दूसरे दिन भी ऐसे फॉलो अप बाइंग आएगी, तभी अपने को कंफर्म मिल जाएगा कि स्टॉक में सही में ब्रेकआउट आया हो। देखो यहाँ पे जैसा कि ये कैंडल आपको देखो कितनी बड़ी सी ऊपर की साइड बनाया है, उसके बाद क्लोज तो नीचे ही दिया। अगर किसी ने यहाँ पे भी लाइव मार्केट में बाय कर लिया होगा तो उनको बड़ा सा लॉस नीचे की साइड आ गया, क्योंकि क्या हुआ यहाँ पे देखो एक कैंडल का जो हाई था नेक्स्ट डे उसके ऊपर गया ही नहीं और फॉलो अप बाइंग नहीं आया और वो फॉल्स ब्रेकआउट में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे भी देखो तो आपको वो ध्यान में देखना है। तो अभी वो आप कैसे करोगे, तो आपको ये पता चल गया कि इसमें ब्रेकआउट आ सकता है 80% चांस है, लेकिन 20% वो भी चांस है कि फॉल्स ब्रेकआउट आएगा, तो वो आप कैसे बच सकते हो। तो आपको करना क्या, डेली चार्ट पे तो आपने देख लिया, अभी मैं क्या करता हूँ देखो आपको क्या करना है, यहाँ से 1 घंटे के कैंडल में जाना है
और वहां पे आपको देखना है कि रेड कैंडल कौन सी बनी है। तो यहाँ पे देखो 1 घंटे के कैंडल में आप गए तो आपको पहले तो सबसे बड़ा जो दिन का हाई है वो नोट कर लेना है, क्लोज आपको मिल गया, क्लोज के बाद ही करना है नेक्स्ट डे के लिए बाइंग के लिए तैयारी करनी है। तो ये आपको हाई मिल गया, अभी जैसे ही हाई मारा उसके बाद आपको देखना है कि रेड कैंडल का लो मैक्सिमम लो कौन सा है। तो यहाँ पे देखो ये हाई मारा उसके बाद ये आपको नेक्स्ट कैंडल दिख रही है, रेड कैंडल दिख रही है उसका देखोगे तो मैक्सिमम लो 1 कैंडल का है, यानी कि आपका हाई भी पता चल गया और इसका लो भी पता चल गया, यानी कि आपको 2 लेवल अभी पता चल गया, यानी कि इसका हाई था वो 309.65 के आसपास, यानी कि आपको 310 के ऊपर बाय करना है और ये लो है उसका 304 है, तो आप थोड़ा सा नीचे यानी कि 303 पे लगा सकते हो। तो आपको लेवल पता चल गया, पीएनसी इंफ्रा को आपको कब कल बाय करना है, अगर सही में ब्रेकआउट है तो स्टॉक कल क्या करेगा 310 के ऊपर जाएगा और ऊपर की साइड अच्छी रैली आएगी, और जैसे ही कॉल एक्टिव होगा तो आपको 303 का स्टॉप लॉस लगा के रखना है, अगर फॉल्स ब्रेकआउट होगा तो आप थोड़े से स्टॉप लॉस से आपका ट्रिगर हो जाएगा और बड़ा लॉस होने से आपका बच जाएगा। तो ये सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, उसमें कुछ ज्यादा लॉजिक लगाना नहीं है, पहले आपको बड़े टाइम फ्रेम में देख लेना है ब्रेकआउट कैंडल कौन सी है, उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम में जाना है वहां पे आपको मैक्सिमम हाई कौन सा मारा है और जो रेड कैंडल का लो कौन सा है वो आपको ब्रैकेट कर लेना है, उसके बाद आपको बाय करना है। तो आपको यहाँ पे लेवल मिल गए पीएनसी इंफ्रा में, मैं यहाँ पे लिख के नहीं बता रहा हूँ बोल के बता रहा हूँ कि आपको कल स्टॉक को 310 के ऊपर बाय करना है 303 का स्टॉप लॉस लगा के। अगर लेकिन समझो कल स्टॉक पहले यहाँ पे ओपन होता है 305-6 के आसपास और 303 के नीचे ट्रेड करना चालू कर देता है तो ये पूरा जो आपने मेहनत किया वो इनवेलिड सेटअप हो जाएगा, उसके बाद आपको वेट एंड वॉच करना है दूसरे कैंडल का क्लोज होने का। तो ये अपना सेटअप हो गया रेडी, तो आपको कल स्टॉक को पीएनसी इंफ्रा को बाय करना है, लेकिन ध्यान में रखना है कि 303 के नीचे पहले नहीं आना चाहिए, 310 के ऊपर पहले जाना चाहिए। तो ये अपना चौथा स्टॉक हो गया पीएनसी इंफ्रा जो आपको बाय करने का ट्राई करना है। तो गाइज आपको समझ में आ गया होगा, पहला स्टॉक है केपीआईटी टेक, दूसरा स्टॉक है नुसिल, तीसरा स्टॉक है जीपीआईएल और चौथा स्टॉक है पीएनसी इंफ्रा जो आपको ब्रेकआउट लेवल के ऊपर बाय करने का ट्राई करना है। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही था, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो और टेलीग्राम भी ज्वाइन करके रख सकते हो, तो आपको यहाँ पे भी मैं आपको अपडेट दे दूंगा अगर कुछ भी आपका होगा। तो गाइज थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।